सामाजिक संगठन रेड क्रॉस संस्था का अध्यक्ष असामाजिक कैसे हो सकता है? क्या संभव है असामाजिक तत्व अध्यक्ष बने? नीमच रेड क्रॉस में चुनाव जल्दी होंगे या फिर कभी नहीं होंगे, ये जिलाधीश की मनमर्जी के ऊपर तय होगा। क्या रेड क्रॉस में चुनाव हो सकते हैं या फिर प्रभारी मंत्री का यह शगुफा है? क्या रेड क्रॉस के अध्यक्ष ने दे दिया इस्तीफा तभी शासन करवा रहा है चुनाव? क्या रेड क्रॉस का अध्यक्ष इस्तीफा देकर पूर्व में किए गए संदिग्ध गुनाहों पर पर्दा तो नहीं डालने चाहता है? ये प्रश्न बहुत चुनौती वाले हैं। क्या नीमच कलेक्टर संचालित करवा सकते हैं नीमच रेड क्रॉस के चुनाव? क्या जिलाधीश नीमच वर्तमान रेड क्रॉस के अध्यक्ष के खिलाफ निष्पक्ष जांच पश्चात ही करवाएंगे चुनाव? ये बहुत ही संदिग्ध प्रश्न है। और क्या उसके बचाव में चुनाव नहीं होंगे? क्या पूर्व में रेड क्रॉस अध्यक्ष के खिलाफ की गई शिकायतों पर शासन प्रशासन दोनों ने दे डाली क्लीन चिट, उसको बचाया गया है? क्या रेड क्रॉस अध्यक्ष के खिलाफ की गई विभिन्न स्तर पर शिकायतों की जांच पेंडिंग है? यदि है तो क्यों? क्योंकि ये जो अध्यक्ष हैं ये भाजपा और आरएसएस से जुड़ी संस्था, जो राजनीतिक संगठन है या जो सामाजिक संगठन है, उनका यह यहाँ पर प्रमुख है और बहुत ही ज्यादा हस्तक्षेप रखे हुए हैं। ये असामाजिक तत्व के रूप में विख्यात हो चुका है। इसके ऊपर कई संदिग्ध गुनाहों के आरोप तय किए गए हैं। संदिग्ध गुनाह है, जब तक ये गुनाहों से मुक्त नहीं होता, ये गुनाहों की चार्जशीट से क्लीन चिट नहीं पाता, तब तक ये अध्यक्ष के लिए, रेड क्रॉस के अध्यक्ष पद के लिए पात्रधारी नहीं हो सकता।